नोटबंदी के एक साल पूरा होने पर कांग्रेस की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मोर्चा संभाला है। डॉक्टर सिंह ने मोदी सरकार की नोटबंदी को लेकर तीखी आलोचना की है। गुजरात में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे मनमोहन सिंह ने अहमदाबाद में नोटबंदी को भयंकर भूल करार दिया। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर सिंह ने कहा कि 8 नवंबर को भारत के लोकतंत्र के इतिहास का काला दिन है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि दुनिया में किसी भी देश ने ऐसा फैसला नहीं लिया जिसमें 86% करेंसी को एक साथ वापस ले लिया गया हो। मनमोहन ने कहा कि नोटबंदी होने के कारण लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। यह कारोबारियों पर एक टैक्स टेररिज्म की तरह लागू हुआ है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी और GST के कारण भारत की अर्थव्यवस्था को दोहरा झटका लगा है और इसकी वजह से छोटे कारोबारियों की कमर टूट गई है। मनमोहन ने नोटबंदी को संगठित लूट बताते हुए कहा कि नोटबंदी के फैसले को लोगों पर जबरन थोपा गया था और इसका तुरंत नकारात्मक प्रभाव नौकरियों पर दिखने लगा। गौरतलब है कि 8 नवंबर को नोटबंदी की पहली सालगिरह है। इस मौके पर पूरे देश में विपक्ष ने इसका विरोध करने का फैसला किया है।